हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मौलिक ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, मींस एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। इसको कैसे प्रूव करते हैं? स्टेटमेंट देखिए, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कहने का मीन्स है, ये ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी है और दूसरा डी ई एफ है, इसका एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और इन दोनों एंगल के द्वारा जो है साइड बन रही है बी सी है, और इन दोनों एंगल के द्वारा जो साइड बन रही है ई एफ, वो आपस में इक्वल है। तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, बी सी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। प्रूफ, इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं, दो केस बनेंगे इसमें। केस फर्स्ट, लेट हमने कर लिया ए सी किसके को ले लिया हमने, डी एफ के, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए सी जो साइड ए सी है डी एफ हमने लेट किया हुआ है दोनों, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल डी एफ ई के, ये भी गिवन है हमें, और साइड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ बाई एस ए एस रूल, यानी साइड एंगल साइन रूल के द्वारा ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब लेते हैं हम केस सेकंड, इफ पॉसिबल लेट ए सी नॉट इक्वल टू डी एफ। अब हमने सेकंड में करा, अब फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, यहाँ पे फिगर को, ये ए सी हमने क्या कर लिया, नॉट इक्वल टू क्या है, डी एफ के इक्वल नहीं है, डी एफ के इक्वल नहीं है, देन कंस्ट्रक्ट डी डैश एफ इक्वल टू ए सी। अब जब ये ए सी नॉट इक्वल टू डी एफ है, तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है डी डी ई एफ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये डी डैश, या तो इस ट्राइंगल के अंदर होगा या तो बाहर होगा, तो देन कंस्ट्रक्ट डी डैश एफ इक्वल टू डी डैश एफ इक्वल टू ए सी के कंस्ट्रक्ट करा हमने, और ज्वाइन डी डैश ई को ज्वाइन कर लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी डैश ई एफ में। अब देखते हैं हम जो डी डैश एफ है किसके इक्वल है, ए सी के, ए सी इक्वल टू डी डैश एफ बाई कंस्ट्रक्शन से हमने हमको मिला है, और एंगल ए ए सी बी, ए सी बी किसके इक्वल है डी डैश एफ ई के, ये गिवन है, और साइड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी डैश ई एफ बाई एस ए एस रूल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साइड एंगल साइड रूल के द्वारा। सो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी डैश ई एफ के बाय सी पी सी डी, सी पी सी डी का मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बट एंगल ए बी सी हमको क्या है, गिवन एंगल डी एफ के, और हमने और यह है, तो इन दोनों की हेल्प से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल देयर को डी एंगल डी डैश ई एफ इक्वल टू एंगल डी एफ के बारो। दिस इज पॉसिबल ओनली वैन डी एंड डी एस, डी डी एंड डी डी एस आर को इनसाइड ईच अदर, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हमने ऐसे इसको प्रूव कर लिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।